इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली 0.1 ml, ठीक है, उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद 48 to 72 hours के बाद में हम उसको देखते हैं, तो उसमें जो इंड्यूरेशन बन जाता है, तो इंड्यूरेशन जैसे कि वहाँ पे वो पाल्पेबल एक जैसे राइज, एक उसकी स्किन आस पास की राइज हो जाएगी, पाल्पेबल हो जाएगी और थोड़ी रेडनेस भी हो जाएगी। तो वो इंड्यूरेशन अगर 10 ml से ज़्यादा कम है तो वो पॉजिटिव है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है। और अगर वो इंड्यूरेशन 5 to 9 ml है तो ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड या डाउटफुल केस होता है। अगर कोई इंड्यूरेशन 5 ml से कम का है तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। और अगर वो इंड्यूरेशन 5 ml से कम का है और साथ में उसको HIV इन्फेक्टेड भी है पेशेंट, तो वो पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है। उसके साथ हम एक्सरे करके देखते हैं, ठीक है, एक्सरे टेस्ट करते हैं, इसमें लंग्स में डीपी अगर है तो वो दिखेगी। तो अगर एक्सरे करेंगे तो 12 week ऑफ जेस्टेशन के बाद में करते हैं मेनली। और जो एब्डोमेन पे जो एब्डोमेन शील्ड का यूज करने के बाद में एक्सरे किया जाता है, ताकि फीटस का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और स्पूटम कल्चर करते हैं, स्पूटम कल्चर एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। तो मोर देन तो स्पूटम कल्चर अगर पॉजिटिव आते हैं तो वो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव माना जाता है। उसके बाद हम गैस्ट्रिक वॉश भी करते हैं और डायग्नोसिस ब्रोंकोस्कोपी करके देखते हैं, लंग्स के अंदर जो है काम करना वो देखते हैं, या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो तो उसके लिए अलग डायग्नोसिस होता है। जैसे लिम्फ नोड की हो तो जो तो उसके लिए बायोप्सी सैंपल लेते हैं लिम्फ लिम्फ नोड का। और अगर लंग्स की हो और भी है तो और भी फ्लूड में है, जैसे कि प्लूरल एसाइटिस या फिर पेरिकार्डियल इन्फ्लूजन, इन सब में अगर है तो एक उनका भी सैंपल लेते हैं, ठीक है, और फ्लूड टेकिंग। और इसके बाद में जो लंबर पंचर अगर टीबी वेन में है तो लंबर पंचर करके देखते हैं, तो ये सब का एनालिसिस करते हैं। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर टीबी के एक्सपोजर में है वूमेन, जैसे कि अगर हमने कॉन्टैक्ट टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ रहा है बट एक्टिव डिजीज नहीं है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो एक्सपोजर में है टीबी के, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आइसोनियाज़िड देते हैं उसको 300 mg। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में ही एजुमेटिव स्टार्ट करते हैं और 6 to 9 months तक इसको कंटिन्यू देते हैं। और इसके साथ साथ में एजुमेटिव के साथ में जो विटामिन B6 भी देते हैं, पायरेटोक्सिन भी देते हैं 50 mg पर एम एल, क्योंकि जो एजुमेटिव है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोर्स करते हैं, उस वजह से विटामिन B6 को प्रिवेंट करने के लिए। और एक्टिव अब देखते हैं एक्टिव टीबी में क्या ट्रीटमेंट होता है, एक्टिव टीबी में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि जो आइसोनियाज़िड देते हैं 300 mg पर डे और फाम्पिसिन देते हैं 600 mg पर डे और इथामुटोल देते हैं 2 to 5 ग्राम पर डे,